इज ग्रुप ऑफ पर्सन्स, आप लिख सकते हो वे हेडिंग पे, राइट। फर्स्ट लिखेंगे न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न को बोलते हैं जीरो से लेके 28 डे का बच्चे को हम क्या बोलेंगे, न्यू बॉर्न। इसका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होगा सिस्टोली कितना होगा, 73। सिस्टोली कितना होगा बेटा, 73, और डायस्टोलिक होता है बेटा 55। डायस्टोलिक कितना होता है, 55 mmHg। याद रखना न्यूबॉर्न का जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल वो 73/55 mmHg होता है। कितना होता है, 73/55 mmHg होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 to 2, सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछा जाए कि 1 to 3 ओल्ड चाइल्ड का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 90/60 mmHg। 90/60 mmHg किसका नॉर्मल प्रेशर होगा, बीपी होगा। 1 to 3 ओल्ड चाइल्ड का नॉर्मल बीपी कितना होगा, 90/60 mmHg। 90/60 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर 1 to 3 ओल्ड चाइल्ड। तीसरा हेडिंग लिखो 3 to 8, कौन सा लिखना है बेटा, 3 to 8, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 to 8 का भी लमसम इतना ही आता है, राइट। 6 तक यही चलता है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस होता है तो 6 to 8 वाले चाइल्ड में होते हैं। कितने होता है, 6 to 8 ओल्ड चाइल्ड, मतलब 6 to 8 साल के चाइल्ड का नॉर्मल बीपी कितना होगा, इसमें चेंजेस आता है। तो इसका जो बीपी होता है वो 95/75 mmHg होता है। 6 to 8 के ओल्ड चाइल्ड के बच्चे का नॉर्मल जो बीपी होता है वह कितना होगा, अभी 95/75 mmHg होगा। इसका कितना है, 90, अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना 5 95 अपॉन, यहाँ कितना है 60, कितना हो जाएगा 75 mmHg, राइट। 5 इधर बढ़ गया, 15 डायस्टोलिक का बढ़ गया है, कब, 6 to 8 पे। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे 10 चाइल्ड, कौन सा 10 चाइल्ड का नॉर्मल बीपी कितना होगा। 10 जो चाइल्ड होता है इसका नॉर्मल बीपी कितना होगा, इसका नॉर्मल बीपी होता है 100/02 से लेके, चलो एक वर्ड में लिख लो सही, 100/02/62 mmHg, राइट। 102 क्या होगा इसका सिस्टोलिक, 60 क्या होगा इसका डायस्टोलिक। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है किसका, 10 साल के बच्चे का। अगर आपसे पूछा जाए, आपका जाना माना एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा, आपको सबको पता है एडल्ट का होता है 120/80 mmHg। ये नॉर्मल एडल्ट का बीपी है, 120 सिस्टोलिक है और 80 क्या है डायस्टोलिक। 120 में से 80 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पल्स प्रेशर। एवरेज ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, राइट, जो कितना होता है नॉर्मल 93.33 mmHg। 6 पॉइंट लिखो बेटा, 6 पॉइंट में आपको लिखना है 50 ईयर एज पर्सन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये कितना बेटा। इसमें वेरिएशन आता है 50, 70 और 80, सबका अलग अलग क्या होता है ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ओल्ड एज में बीपी बढ़ जाता है,
आपने सुना होगा ओल्ड एज में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज आर्टरी की जो वाल है वह हार्ड हो जाती है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हार्डनेस ऑफ आर्टरी, इसकी वजह से ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज। जैसे जैसे एडवांस एज होती जाती है वैसे वैसे बीपी भी क्या होता जाता है, एडवांस बढ़ता जाता है, राइट। तो यहाँ पर लिखना है 50 ईयर एज पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा, इसका होता है बेटा 140/85 mm ऑफ Hg, 140/85 mm ऑफ Hg क्या होगा, 50 साल के व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि 70 साल के पर्सन का कितना होगा, 70 ईयर एज पर्सन का कितना ब्लड प्रेशर होगा, ये क्वेश्चन भी कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। तो अगर आपसे 70 साल का पूछे तो इसका होता है 160/90 mm ऑफ Hg, 160/90 mm ऑफ Hg किसका होता है, 70 साल ओल्ड पर्सन का होता है, राइट। कितने का, 70 साल ओल्ड पर्सन का कितना होगा, 160/90 mm ऑफ Hg। अगर 80 ईयर ओल्ड है, क्योंकि हार्डनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो 80 ईयर ओल्ड है, 80 ईयर्स क्या है बेटा, ओल्ड है, तो उस पर्सन का ब्लड प्रेशर और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 60 से कितना हो जाएगा बेटा, 160 से सिस्टोली कितना हो जाएगा, 180, और ये 90 की जगह कितना हो जाएगा, 95 mm ऑफ Hg। 80 साल के ओल्ड पर्सन का 180/95 mm ऑफ Hg क्या होता है, नॉर्मल बीपी रहता है, कितना रहेगा, 180/95 mm ऑफ Hg नॉर्मल बीपी होता है 80 ओल्ड पर्सन का, राइट। यहां तक आपको समझ में आया, आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, आ गया। एक बार फिर देखो, न्यू बोर्न का जो ब्लड प्रेशर होता है वह कितना होगा, 73/55 mm ऑफ Hg होगा, 1-3 ईयर ओल्ड चाइल्ड का कितना होगा, 90/60 mm ऑफ Hg होगा, 6-8 ईयर के चाइल्ड का कितना होगा, 95/75 mm ऑफ Hg होगा, 10 ईयर के बच्चे का 100/62 mm ऑफ Hg होगा।